गीडा के स्थापना दिवस पर समारोह व 3 दिवसीय प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। कहा, गीडा से धुरियापार तक बनाया जा रहा है औद्योगिक गलियारा। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के नकोड़ी निवासी गैंगस्टर व गोवत का वांछित इनामिया अभियुक्त जुमराती को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी 4 दिवसीय प्रतियोगिता का 1 दिसंबर को होगा शुभारंभ। 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ करेंगे समापन। खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने 3 दिवसीय एनुअल एथलेटिक्स मीट का विश्वविद्यालय के ग्राउंड पर किया शुभारंभ। कहा, इस तरह के आयोजन से सभी प्रतिभागियों की निखरती है प्रतिभा, आगे भी विश्वविद्यालय करवाता रहेगा प्रतियोगिता। जनपद में अभी 2 दिनों तक रहेगा ठंड का मौसम, सुबह व शाम के समय रहेगा घना कोहरा। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सरकार के आयकर व GST विभाग को चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलकर करना चाहिए कार्य, जिससे ज्यादा से ज्यादा हो रजिस्ट्रेशन, लोग करें टैक्स जमा। गोरखपुर क्लब की नई कार्यकारिणी का चुनाव बुधवार को हुआ सकुशल संपन्न। डॉक्टर संजीव गुलाटी चुने गए निर्विरोध महासचिव। चुनाव अधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को क्लब को नई ऊंचाइयों को आगे ले जाने की दी शुभकामना।